मेरठ में आदि गुरु शंकराचार्य गुरुकुल आश्रम नगलामल में गीता जयंती समारोह मनाया गया। समाज में भारतीय किसान मजदूर यूनियन स्वदेशी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के भतीजे कुंवर धनंजय सिंह ने कहा कि गीता जन जन तक पहुंचाना आवश्यक है, गीता में मानव कल्याण निहित है। उन्होंने कहा, अर्जुन को दिया गया उपदेश समूची मानव जाति को दिया गया उपदेश है। उन्होंने कहा कि आश्रम के संस्थापक स्वामी दीपक ज्ञानानंद सरस्वती महाराज हमारे कुल गुरु है। मैं अपने गुरु के आश्रय में आया हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री संजीव गोयल सिक्का ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा, आपकी व्यवस्था होगी। कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो मेधावी हैं, लेकिन पिताजी मजदूरी करते हैं, पढ़ाने का सही नहीं है। जैसे इंजीनियरिंग करना हो, आईएएस की परीक्षा देना हो, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। अगर ऐसी बहन बेटी कोई हो इस तरह का, तो उसको पूरी फीस वही बाप ले जाकर देगा जिस हॉस्टल में रहेगा। एडमिशन कराने का भी मैं जिम्मा ले रहा हूँ, और सारा खर्चा कपड़ा सब देंगे जब तक वो पूरा उसमें से निकल नहीं जाता है, इसकी व्यवस्था करूँगा। यही मेरी हार्दिक इच्छा थी। जो महाराज जी के चरणों में मैं आया, मैं ऐसा योग्य आदमी नहीं। और महाराज जी, अब के बाद मैं कुछ न लिखूंगा न बोलूंगा। वो चिट्ठी मास्टर जी के परिवार पर भी मौजूद है और मुझ पर भी। उन्होंने कहा कि आश्रम में मेरी आत्मा बसती है, आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। आश्रम में गुरुकुल बने, आश्रम में कोई अनैतिक पूर्ण आचरण न हो, आश्रम मर्यादा का केंद्र बने। और अपने परिवार से कहा कि ये आश्रम महाराज जी के सुपुर्द है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।